नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा शिक्षित दुनिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि इस लॉकडाउन की स्थिति में शिक्षित दुनिया अपना एक कर्तव्य समझता है कि समाज के विभिन्न विषयों पर विभिन्न एक्सपर्ट्स की राय, विभिन्न मुद्दे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में हैं लेकिन हम करना चाहते हैं, कई बार काउंसलिंग के अभाव पर हम नहीं कर पाते हैं, हम उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज भी हम एक ऐसे सज्जन को आपके समक्ष पेश कर रहे हैं जो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के चीफ काउंसलर हैं और ब्रांड एम्बेसडर हैं स्मार्ट सिटी कानपुर के। वे कोई और नहीं, कानपुर के जाने पहचाने नाम हैं डॉक्टर सुधांशु राय जी। मैं सुधांशु राय जी का स्वच्छ दुनिया स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। सुधांशु जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रायः हर मंचों पर आप देखे जाते हैं। हम लोग आप रूबरू मिलने का ये अच्छा एक उपक्रम है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक शैक्षिक दुनिया के तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं और जानना चाहता हूँ सुधांशु जी कि आपके पास इन दिनों जो काउंसलिंग के लिए जो समस्याएं आ रही हैं, जो लोग आ रहे हैं, वो किस तरह के फ़ोन आ रहे हैं, कैसी समस्याएं आ रही हैं, आप लोगों के सामने उसका कैसे जो है निदान रख रहे हैं? इसमें काउंसलिंग जबकि लॉकडाउन के लगभग 20 दिन हो चुके हैं और 4-5 दिनों से काउंसलिंग का ये कार्य उसको शुरू किया गया है, क्योंकि अनुमानता है कि 10-15 दिन के बाद जब कोई एक समान स्थिति रहती है जी। तो उसके बाद 10-15 दिनों तक एक उसके बाद जाके आदमी के अंदर कुछ घुटन या उसके एक उदासीनता उसके अंदर तैयार होने लगती है। उसी समय पे ये काउंसलिंग का कार्य शुरू किया गया जिसमें कि हमारे माननीय कुलपति महोदया जी ने उन्हीं के निर्देशानुसार छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में एक कोरोना वायरस काउंसलिंग सेल को स्थापित किया गया जिसमें डॉक्टर अवध दुबे और डॉक्टर नूतन वोरा जी भी हमारे साथ में है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों के व्यक्तियों को उनकी काउंसलिंग कर रही है। प्रतिदिन हम लोग 4 घंटे इस पे समय देते हैं, मैं 11 से 1 तक उपस्थित रहता हूँ, शाम को 4 से 5 डॉक्टर नूतन वोरा और 5 से 6 डॉक्टर अवध दुबे जी। इसमें जो अलग अलग क्षेत्र जैसे कि कुछ छात्र छात्राएं इसमें फोन करते हैं तो कोई पारिवारिक समस्या को लेके फोन करता है, तो कोई ऐसा करता है कि हमको मेरा घर में समय नहीं कट रहा है। नॉर्मली वो पुरुष लोग ज्यादा ज्यादा होते हैं क्योंकि उनका सामान्यतः वो लोग अपने घरों से दिन भर बाहर रहते थे, अब उनको घरों तक सीमित कर दिया गया है। बट एक और बहुत अच्छी बात है कि हमारे कानपुर शहर में अभी भी मोर देन 80-90% लोग लॉकडाउन का पूर्णतया पालन कर रहे हैं और कल अभी न्यूज आ रही है कि कल माननीय प्रधानमंत्री महोदय 10 बजे लोगों को अपना संदेश देंगे। तो मेरे ख्याल से अगर कुछ लॉकडाउन बढ़ता है और मेरे ख्याल से बढ़ने की पूरी उम्मीद है तो उसके बाद लोगों के अंदर फिर से एक थोड़ा सा डर कि 21 दिन तो हमने निकाल लिए, अब आगे के कितने दिन आगे बढ़ेंगे और उसको किस तरीके से उसका निदान होगा, ये चीज बहुत ही जरूरी है। इस समय पे काउंसलिंग अत्यंत आवश्यक है। तो किस तरह के फोन आ रहे हैं आपको, लोग कौन सी समस्याएं बता रहे हैं, क्या क्या समस्याएं बता रहे हैं सुधांशु जी? समस्याओं में जैसे कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं जी, वो लोग का एक ही है कि सर हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कैसे करें जी, और पढ़ाई करने के बाद उनके थोड़ा सा एग्जाम का भी एक डर, क्योंकि ये जो समय है कुछ लोगों के तो एग्जाम अभी छूटे हुए हैं जो कि मार्च ही में बंद हो गए थे, कुछ लोग आधे एग्जाम हो गए आधे बाकी हैं, तो कुछ लोग के जो सेमेस्टर सिस्टम है वहां पे एग्जाम मई में होते हैं तो उसमें भी अभी संशय बना हुआ है। 30 अप्रैल तक कुछ ना कुछ हम लोग नई उसकी कुछ रणनीति बना लेंगे, क्योंकि भारत सरकार के लेवल पे यूजीसी के लेवल पे AICTE और अपने विश्वविद्यालय अलग पूरी रणनीति बन रही है कि कैसे हम बच्चों को इस शांतिपूर्ण माहौल में जब बच्चे अपने घरों में हैं उस समय हम उनकी कैसे पढ़ाई को पूरा कराएं। आज हम लोग का जो अगर देखा जाए तो 50-60% पढ़ाई का जो कोर्स है वो सभी सामान्यतः सेमेस्टर कोर्स में पूरा हो चुका है, जो रेस्ट 40% जो बचा है उसको ऑनलाइन से पढ़ाने की पूरी तैयारी चल रही है। कुलपति जी प्रोफेसर नीलमा गुप्ता मैम ने सभी शिक्षकों को भी निर्देश दे दिए हैं कि सभी लोग ऑनलाइन से अपने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएं और 30 अप्रैल तक अपने सभी कोर्स को पूरा कर लें। और जो अदर्स जो वर्ग है, जो क्वेश्चन जिसके आ रहे हैं उसमें व्यापारी वर्ग और जो घरों में
एक बहुत ही एक पुलिस जवान का भी एक, क्योंकि मैं आपको बता दूं कल ही आप पुलिस विभाग जी ने जी ये हाँ मुझको एज ए जी मोटिवेशनल काउंसलर के रूप में नामित किया है जी कि उनके जवानों को आप मोटिवेट करें जिससे कि वो उनके अंदर ऊर्जा बनी रहे, और वो जो कोरोना सेनानी है, जो वाकई वही लोग कोरोना सेनानी है जो जी फ्रंट पे रहकर कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, उनको अंदर आत्मविश्वास बढ़ता रहे, उनका आत्मबल बढ़ता रहे, क्योंकि तभी वो हमारे शहर की रक्षा कर पाएंगे। जी तो ये तो खैर अभी की बात हुई, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि आप जो है पुलिस काउंसलर्स के साथ, मतलब पहले भी आप मोटिवेशंस बहुत सारे लेक्चर देते रहे हैं, तो ये इस यात्रा के बारे में भी कुछ बताइए कि कब से हैं इस काउंसलिंग के फील्ड में, कब से काम कर रहे हैं इसे एज ए काउंसलर आप। पुलिस डिपार्टमेंट अभी 3-4 महीने पहले उन्होंने ये एक पहल करी थी, जी और कल उन्होंने ये लॉकडाउन का जो जी इस समय का चल रहा है, जिसकी वजह से उनको इस चीज की एक जरूरत महसूस हुई कि कैसे हम अपने जो 20-25 दिनों से लगातार हमारे पुलिस जवान हमारे फ्रंट पे रह के लोगों का हर दर्द झेल रहे हैं, उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, अपने कार्यों को बहुत मुस्तैदी से कर रहे हैं, तो कहीं उनके जो आत्मविश्वास में या उनके कार्यों में कोई कमी ना रहे, वो कमी मेंटेन, मतलब वो जो उनकी स्फूर्ति है वो मेंटेन बनी रहे, जिस वजह से उन्होंने कहा कि आप अपने मोबाइल से, जैसे कि उन्होंने नंबर दिया कि इस पे हम अपने पुलिस जवानों को इसमें बताएंगे, जो जो कि आपसे कनेक्ट होके अगर कोई उनको लगता है कि कोई दिक्कत है, नकारात्मकता आ रही है, तो उस मोमेंट पे आप उनको स्फूर्ति प्रदान करें। अच्छा, आपकी काउंसलिंग सेल का कोई नंबर है जिससे कोई भी जो आपके साथ काउंसलिंग करना चाहे, बच्चा चाहे टीचर, वो आपसे संपर्क कर सके, कोई नंबर आप मुझे बताएंगे। हाँ, इसमें अभी 8299 जी 173 086 ये मेरा अपना नंबर है, क्योंकि मैं काउंसिल सेल का मेन कन्वीनर हूँ, जी और इसी नंबर को हम लोग यूज कर रहे हैं जी कि जिस कोई कोई भी व्यक्ति, जी चाहे वो छोटा बच्चा हो, छात्र हो, महिला हो, पुरुष हो, व्यापारी हो, उद्यमी हो, कोई भी हो, वो इस नंबर पे बात कर सकता है, और उसको उसी समय मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसके अंदर कहीं से नकारात्मकता से सकारात्मकता लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, और लोग हुए भी हैं। इसी के साथ साथ इस नंबर पे कोई भी अपने तनाव के कारण को, नकारात्मकता को लिख कर भेज सकता है, उसको उसी समय लिख के ही उसी व्हाट्सएप नंबर पे उसको उसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक बात और जो निकल के आई थी, वो आप कह रहे थे कि छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन जो टीचिंग करने के लिए उनको जो जानकारी मिलेगी वो आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो टीचर वर्ग को भी कुछ आपने काउंसलिंग करने का कुछ सोचा है कि वो टीचर भी तैयारी कर सकें, तब तक कि कैसे पढ़ा सकते हैं कैसे नहीं पढ़ा सकते हैं। टीचर्स को पूरी जो हम लोग की मीटिंग्स हो रही है, जिसमें जी माननीय कुलपति महोदया उसकी जी पूरी मीटिंग ले रही है, और पूरी शिक्षकों को वो पूरा सिस्टम को बता रहे हैं कि कैसे आप अपने छात्रों के साथ में आपको ऑनलाइन स्टडीज करनी है, ऑनलाइन टीचिंग करनी है, बच्चों को कैसे आप उनको कोर्स मटेरियल मुहैया कराएंगे, तो उन्होंने अपने वेबसाइट पर ई कंटेंट तैयार करवाए हैं, सभी शिक्षक ई कंटेंट तैयार कर रहे हैं और उसको वेबसाइट पे उसको जी डालें, जिससे कि कोई भी छात्र किसी भी समय वहां से अपने कंटेंट्स को डाउनलोड कर सकता है और अपने घर में बैठे बैठे पूरी पढ़ाई कर सकता है। शैक्षिक दुनिया बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है आपको, सेस जेम यूनिवर्सिटी को, इस काउंसलिंग सेल को, और आप लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जनरल सोसाइटी को कोई मैसेज देना चाहते हैं आप। हाँ, सोसाइटी को बस यही कि जितना जल्द से जल्द हम लोग इस लॉकडाउन के पीरियड को खत्म कर ले जाएंगे, और वो सिर्फ आप और आपकी वजह से ही संभव है, क्योंकि जब तक हम लोग, मैं उसी सोसाइटी का एक पार्ट हूँ, ये अलग बात है कि आज मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, मगर उसी का पार्ट में रहते हुए हम लोग को ये अत्यंत आवश्यक है कि जितने भी सरकार के जो प्रयास हैं, सरकार के जो निर्देश हैं, उसको पूर्णता पालन किया जाए, और उसी के अनुसार अगर हम लोग कार्य करेंगे तो आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हम इस कोरोना वायरस जैसी महामारी को दूर दूर अवश्य कर ले जाएंगे, क्योंकि अगर ये चलती रहेगी, लॉकडाउन चलता रहेगा, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, पूरी दुनिया रुकी पड़ी है, हमारा देश रुका पड़ा है, तो अगर हम लोग इस पे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं और उसको पूर्ण रूप से पालन कर ले जाएं, तो हम फिर से एक संभावनाओं के द्वार हमारे लिए आगे फिर से खुले रहेंगे, जहां पे किसी को किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं।
नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी मुलाकात रही आपसे। मैं समझता हूँ कि हमारे देशवासी, हमारे जो पाठक हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जहाँ जहाँ हैं, आपकी बात को फॉलो करेंगे, आपकी बात को निश्चित रूप से मानेंगे, और उन्हें जब भी रात बिरात 24 घंटे कोई दिक्कत होगी तो दिए हुए नंबर पे आपको संपर्क करेंगे। पुनः बहुत शुभकामनाओं के साथ सादर आभार। नमस्कार। नमस्कार।